आज हम आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में प्रवास के दौरान आज हम तीनों भाई अपने आदरणीय भाई चंदन जी, आदरणीय भ्राता आशीष जी और यहाँ के युवा प्रभारी आदरणीय भाई किशोर जी, साथ में यहाँ के तिरुपति जो अपने युवा जिला प्रभारी हैं तो वो भी हमारे साथ में दर्शन करवाने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ का वातावरण है, आप देख सकते हैं। तिरुपति बालाजी वो मंदिर है जो देश में चर्चा का विषय बना रहता है। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और बहुत धनी मंदिर भी ये माना जाता है, धन के रूप में, समृद्धि के रूप में भी ये वैसे भारत में पहला स्थान रखता है। और यहाँ बहुत भक्त लोग आते हैं। आज रविवार का दिन है, इसके लिए यहाँ काफ़ी भीड़ है क्योंकि छुट्टियों के दिन में यहाँ अपार भीड़ लगती है। और यहाँ दर्शन करने के लिए कभी 6 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी 12 घंटे भी लोगों को जो साधक हैं उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है। जो इसके मुख्य मुख्य दर्शन के तिथियाँ आती हैं अपने शास्त्रों के अनुसार, तो उसमें भी लगभग 2-2, 3-3 दिन भी लोग यहाँ विश्राम करते हुए दर्शन करते हैं। बहुत ही स्वच्छता है, वैसे हिंदुस्तान में स्वच्छता के स्थान पर भी इसका 7वां स्थान है। और बहुत ही हरा भरा, बहुत ही सुंदर भव्य दार्शनिक स्थल है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते होंगे। मैंने भी लगभग भारत में बहुत ही दार्शनिक स्थलों में गया, लेकिन इतनी भीड़ और पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों की घाटियों में देख सकते हैं कितना सुंदर हरा भरा दिखाई दे रहा है और काफ़ी सुनहरा दृश्य दिखाई देता है। यहाँ से बारिश का महीना है तो इसके लिए और भी सुनहरा मौसम तो है ही है, पूरी हरियाली है। और यहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं क्योंकि उत्तराखंड में ऋषिकेश यदि हम जाते हैं तो वहाँ थोड़े जो पहाड़ हैं अपने वो मिट्टी के पड़ते हैं, इसके लिए रास्ते टूट जाते हैं, धंस जाते हैं। लेकिन यहाँ के रास्ते बड़े सुंदर हैं क्योंकि यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं। कहते हैं कि तुलसी बिरवा बाग का सींचे से कुम्हलाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत में हरियाए, तुलसी बिरवा बाग का सींचे से कुम्हलाए। जो राम के भरोसे रहते हैं वृक्ष, वो पत्थर में भी देखेंगे, पर्वतों में भी एकदम हरियाली हरे भरे रहते हैं। और जो हम घरों में तुलसी लगाते हैं इतना सींचते हैं, वो भी धूप से कुम्हला जाती है, वो भी सूख जाती है। तो ये प्रकृति की, परमात्मा की एक महिमा है। परमात्मा ने जो प्रकृति का एक सुंदर रूप बनाया है और बहुत ही दार्शनिक स्थल है। कुछ समय के बाद लगभग 12 किलोमीटर की ये 15 किलोमीटर की है चढ़ाई पड़ती है और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। बड़ा ही सुनहरा मौसम है, बड़ा ही अद्भुत है। और यहाँ बहुत ही अच्छा लगा आने के बाद। अभी हम कुछ समय के बाद, लगभग आधे घंटे के बाद मंदिर के पास पहुँचेंगे और दर्शन करने के लिए भी 6-6, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी हैं ऊपर की, लेकिन इसके बावजूद भी भक्तों का, साधकों का इतना बड़ा मेला लगता है कि उस मेला को दर्शन करने के लिए बहुत समय लगता है। और लोगों की मान्यताएं भी हैं कि श्रद्धा भी है कि यहाँ जो भी हम अपनी मनोकामनाओं को मानते हैं वो तो पूर्ण होती हैं। वैसे हमारे जीवन में शास्त्रों में पुरुषार्थ का भी बहुत बड़ा महत्व दिया गया है कि जब हम पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कहीं में कहीं हमारी जो आस्थाएं होती हैं तो आस्था ही पत्थरों को भी भगवान बना देती है। मुश्किल, कहते हैं लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है, आस्था भी भगवान को, पत्थर को आस्था भी भगवान बना देती है। तो ये तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं, यहाँ भी काफ़ी लोगों की श्रद्धाएं हैं और
प्राचीन काल से ही ये चला आ रहा है। तो आप भी कभी तिरुपति बालाजी के दर्शन ज़रूर करें, लेकिन जब भी यहाँ आए तो समय निकाल के आए 2-3 दिन का, क्योंकि 24 घंटे में हो सकता है कि आपको दर्शन नहीं हो पाए और बिना दर्शन भी आपको वापस जाना पड़े। तो इसके लिए जब भी आए कुछ समय लेके आए। और यहाँ का जो प्राकृतिक वर्णन है वो बहुत सुंदर लगता है, भव्य है, पहाड़ है, घाटियाँ हैं, हरे भरे चंदन के वृक्ष हैं, लाल चंदन यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा इस पहाड़ों में चंदन है। और इन्हीं पहाड़ों में जब सीता जी को रावण अपने रथ में ले जाके आकाश मार्ग से चुरा के ले जा रहा था, जो रामायण में ऐसा वर्णन आया है, तो जो जटायु पंछी था सीता माता की रक्षा के लिए, उसने रावण से यहीं पर ही एक प्रकार से युद्ध किया था, सीता जी को छुड़ाने का प्रयास किया था। और रावण ने उनके अपने बाणों से पंख काट दिए थे और वो यहीं मूर्छित होके धराशायी होके गिर गया था। ये वही पर्वत है, यहाँ की ये भी मान्यता है जो रामायण काल से जुड़ी हुई है। और यहाँ पर अलग अलग जीव जंतु भी रहते हैं, शेर इत्यादि भी यहाँ रहते हैं, क्योंकि बहुत भयंकर जंगल है, और हिरण भी काफ़ी मात्रा में रहते हैं, वन के जितने भी जीव हैं। 7 पहाड़ और 7 पहाड़ियों की ये चोटी है। तो कभी आप भी बालाजी के दर्शन करने ज़रूर आएँ। ओम शांति।